टीकमगढ़ खबर। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत करना हमारा लक्ष्य। गुलाब सिंह पाल। टीकमगढ़ अखिल भारतीय पाल महासभा टीकमगढ़ द्वारा समाज जगाओ समाज बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी पांचवी बैठक आज रविवार 8 सितंबर ब्लॉक के देरी ग्राम अंतर्गत माता कालका देवी मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह पाल, युवा जिला अध्यक्ष हरदयाल सिंह पाल, ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह पाल अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता वालादीन पाल ने की। बैठक का उद्देश्य समाज में जागृति फैलाना और समाज के युवाओं को जोड़ना है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह पाल ने कहा, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत बनाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं को आगे आकर जिम्मेदारी संभालना होगी, जिससे समाज का पूर्ण विकास हो सके। युवा जिला अध्यक्ष अध्यक्ष सिंह पाल ने कहा, समाज जगाओ समाज बचाओ अभियान के तहत ये पांचवी बैठक है। बैठक का उद्देश्य मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों को संगठन से जोड़ना और उन्हें संगठन के बारे में अवगत कराया और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के बारे में जानकारी दी। मास्टर बालादीन पाल ने कहा, समाज एक होकर रहना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष हरि राम पाल ने भी सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में संगठन में जोड़ने पर जोर दिया। इस अवसर पर पत्रकार शोभा रामपाल, राजेंद्र पाल छिदारी, राजेश पाल मलगुआ, दयाराम पाल दरगोवा, खुशीराम पाल चंदेरी, कन्हैयालाल पाल छक्की पाल, राकेश पाल, रामचरण पाल, सियाराम पाल, रामप्रसाद पाल, राजेश पाल, गंगा राम पाल, जितेंद्र पाल सहित बड़ी संख्या में बाल समाज के युवा सहित समाज सेवी एवं बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम किया गया है समाज बताओ समाज पढ़ाओ अभियान के तहत, इसमें आपका क्या कहना है? ये हमारा अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, समाज जगाओ समाज बचाओ अभियान, इस अभियान के तहत हमने जिले में हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी संगठन के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले की यह पांचवी बैठक है जो देरी में आज आयोजित की गई है। क्षेत्र के लोगों से रूबरू होना, क्षेत्र के लोगों से युवाओं को संगठन के प्रति जागृत करना, युवाओं को आगे ले आना, यह हमारी प्राथमिकता रही है और हम आगे भी हर मंडल में हर ब्लॉक में ऐसी बैठकें करके लोगों को जागृत करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने और समाज को जागृत करने, युवाओं को इस संगठन में अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए ये बैठकें कर रहे हैं। आगे भी हमारी आगामी बैठकें होती रहेंगी और हमारे संगठन के पदाधिकारी निरंतर इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। कभी कभी अध्यक्ष जी आपके समाज पर संकट आता है, कोई अत्याचार करता है, इसमें आपका क्या योगदान रहता है? जैसे कि समाज में कई प्रकार की बुराइयां या कई प्रकार के अत्याचार या कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे संगठन को इस बारे में पता चलता है तो हम उसकी भरपूर मदद करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति अगर हमें उस बारे में सूचना नहीं देता है तो हम उसकी पूर्णतः मदद नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी मदद हो सके हर संभव उसकी मदद करने का प्रयास।